हेलो वर्षा भाभी, कैसी हैं आप? लगता है आप हम लोगों को तो भूल ही गई हैं। मैं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताइए, आज आपने कैसे याद किया? हर बार सोचता हूँ कि आपको फोन करूं, लेकिन बस काम में भूल ही जाता हूँ। लेकिन आज सोचा और फोन कर लिया। बाकी सब लोग कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक है। और आप रक्षा आइए ना कभी घर पर। जी जरूर। लीजिए अक्षरा से बात कीजिए, बात कीजिए। अरे फोन क्यों काट दिया? मैं करती हूँ। नहीं नहीं, थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ। अक्षरा। नैतिक, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं इस वक्त किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ। आपका मूड देखकर ही मैंने सोचा कि अगर आप अपनी सहेली से बात करेंगी तो शायद ठीक हो जाए। नहीं नहीं करनी है मुझे किसी से भी बात। वर्षा भाभी, बड़ी माँ आपको चाय के लिए बुला रही हैं। थोड़ी देर में आती हूँ। जी। तक फोन नहीं किया। हाँ वर्षा बोल, कैसी है? अक्षरा फोन क्यों काट दिया? और वो खुद ही कट गया, शायद सिग्नल वीक था इसीलिए। ओह अच्छा। और तू बता, तेरी डॉक्टर से नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है? अच्छा, दादू आए थे तेरे साथ? दादू जी मीटिंग तो काफी अच्छी रही यार। वो लोग कह रहे थे कि 1-2 दिन में जवाब दे देंगे। लीजिए गरम गरम समोसे आ गए और साथ में गरम गरम चाय भी। अरे वर्षा कहाँ है? वर्षा भाभी ने कहा वो थोड़ी देर में आएंगी। कुछ काम कर रही है क्या? नहीं तो बस ऐसे ही बैठी। अब आप क्या सोचने लगी? भाई हमें तो बहुत भूख लगी है। हाँ समोसों में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मटर के बने हैं माँ। हाँ। नहीं काकी, मैं सिर्फ चाय लूंगी। खाना गरम गरम है। नहीं माँ, मन नहीं। लो वर्षा भी आ गई। आजा बेटा। कहाँ रह गई थी बेटा? धनिया को भेजा था तुझे बुलाने के लिए। वो माँ अपने अक्षरा से बात कर रही थी। हाँ? वर्षा बेटा कैसी है हमारी अक्षरा? बिल्कुल ठीक है। आप लोगों के बारे में ही पूछ रही थी। कह रही थी बहुत दिन हो गए आप लोगों से मिलना ही नहीं हुआ। आप लोग भी उसे मिलाया करें कभी कभी। हाँ। ये लो वर्षा, माँ ने तुम्हारे लिए खास बनाए हैं मटर के समोसे। समोसा काकी आप ही रहने दीजिए ना। खाना बेटा गरम गरम है। और तुझे तो मटर के समोसे बहुत पसंद है। हाँ माँ, लेकिन मैंने अभी अभी दूध पिया है, पेट बिल्कुल भरा है, कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है। तू क्यों नहीं खा रहा है? माँ मुझे मटर के समोसे कहाँ पसंद है। अरे माँ ने इतने प्यार से बनाए, एक खाना। ठीक है दादी, माँ के प्यार के नाम। और फिर माँ कहेंगी तो एक क्या 2-2 खा लेते हैं, और साथ में चटनी भी। अरे वर्षा तुम भी लो ना। काकी बाद में खा लूंगी। बाबूजी मैं कल की मीटिंग की तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, काम पहले जाओ। जाते जाते। माँ मैं अभी आती हूँ। देखा कितने नाराज हैं दोनों। नाराज? नाराज कौन है बड़ी बहू? वर्षा और शौर्य कैसे उठकर चले गए? शौर्य ने बताया ना, काम है उसे। जी मैंने उसे जाते हुए देखा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्षा ने तो समोसा छुआ तक नहीं। दीदी उसने कहा कि बाद में खा लेगी। वो तो उसने ऐसे ही कह दिया छोटी। देखिए आप खामखा परेशान हो रही हैं। ठीक तो थे दोनों। ठीक थे नहीं, ठीक दिखने की कोशिश कर रहे थे। ये दिखा रहे थे कि जैसे उन्हें कोई शिकायत ही नहीं है। आज मेरी गलती नजर आ रही है सबको। वैसे भाभी आपको वर्षा को आगे पढ़ने देना चाहिए। इतनी होशियार है, हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए कि वो डिग्री जरूर ले। आजकल पढ़ाई की कितनी जरूरत है। भाभी माँ क्या है? ये देखिए जो आपने मंगाया था वो मैं ले आई। देखो तो, अरे ये तो बहुत सुंदर है। अच्छा हुआ समय से मिल गया। हाँ भाभी माँ, और इससे अच्छा गिफ्ट माँ के लिए हो ही नहीं सकता है ना। रख दे उसे, हम जन्मदिन की सुबह दे देंगे। हाँ को दिखा। हाँ, भाभी ये देखिए आप अच्छे हैं, बहुत सुंदर। भाभी माँ, रश्मि बेटा, भाभी माँ, माँ इसे छुपाइए, मैं आपकी जा। अरे वाह, कितनी सुंदर लाख की चूड़ियां हैं। लगता है खास जयपुर की बनी है। ये तूने कब खरीदी? इसके पहले तो मैंने कभी नहीं देखी थी। वो माँ ये मिताली की है, मैं तो बस पहन के देख रही थी। इतनी रात तक क्यों जागती रहती है? क्या हालत कर ली है तूने अपनी। चेहरा कितना उतर गया है, और बाल देख, कब से तेल नहीं लगाया तूने। चल आज मैं तेरे सर में तेल लगा देती हूँ। माँ आज रहने दीजिए, मैं कल लगवा लूंगी। वैसे भी मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सो जाऊं। माँ आप लाइट ऑफ कर दीजिएगा। अक्षरा, अक्षरा प्लीज इतना परेशान मत होइए, इतना मत सोचिए। अपने आप को इतनी तकलीफ देके क्या हासिल होगा। प्लीज मुझसे इतना दूर दूर मत रहिए। मुझे नींद आ रही है। अक्षरा प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। जो होना था वो हो गया। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने आपको इतना दुख पहुंचाया हो। अक्षरा मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। आप प्लीज मुझसे बात कीजिए। आपका चुप रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं बर्दाश्त होती है तो मत कीजिए। मेरी भी बर्दाश्त करने की एक हद है। सब कुछ पहले ही रेडी कर दिया। अक्षरा के कपड़े दादा, माँ ने आपकी चाय भेजी है। आज माँ बहुत गुस्से में। रश्मि, क्यों? वो भाभी। रश्मि आई माँ। रश्मि कहीं अक्षरा मायके तो नहीं? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है बहू को। सब अपनी मनमानी करने लगे हैं। कोई एक बार भी पूछता नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। जी सब अब है वो है। महाराज जी आप रहने दीजिए, मैं देखती हूँ क्या करना है। आप जाइए, दूध रखिए उबलने के लिए। बहू ने तो हद कर दी भाभी वहाँ। कम से कम हमसे आकर पूछ तो लेती कि क्या करना है। क्या हुआ माँ? क्या बताऊं मुन्ना, वो तू जाइए महाराज जी को दे। जी समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। राधे कृष्ण गायत्री बहन, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। क्षमा कीजिएगा, ऐसे अचानक बिना बताए आ गए। नहीं नहीं, आप ही का तो घर है, जब जी चाहे आई। अक्षरा ने सबको क्यों बता दिया? अब मैं सबसे क्या कहूँगा ना? जी खुश रहो। राधे कृष्ण नैतिक जी। जी राधे कृष्ण। माँ अक्षरा, ऐसे अचानक से आप? माँ कैसी है? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। नैतिक जी तो आज हमें देखकर सरप्राइज ही हो गए हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुन्ना तैयार होके आजा बेटा। आइए राजश्री बहन, बिराजी जी आओ बेटा। हाँ आओ। बस मंदिर गए थे तो हमने सोचा आप सबसे मिल लेते हैं, और वर्षा भी अक्षरा से मिल लेगी। क्या बात है गायत्री बहन, कुछ परेशान लग रही है? नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं है। दरअसल अक्षरा ने गलती से धोबी को जरी वाली साड़ियां दे दी थी धोने के लिए, इसलिए। भगवान बेटा ऐसे कैसे? हाँ जी वही तो। और महाराज जी को भी देखिए, वो जाकर साड़ियां दे भी आए। एक आधी साड़ी होती तो और बात होती राजश्री बहन, लेकिन दर्जन से ज्यादा साड़ियां हैं, बस इसलिए थोड़ा। मेरी गायत्री बहन मैं समझ सकती हूँ। अक्षरा बेटा तूने ऐसा कैसे किया? तुझे पता नहीं है जरी वाली साड़ियां धोबी को नहीं देते? पता है माँ, वो ध्यान ही नहीं रहा और मैंने धोबी को दे दी। बेटा तो ध्यान रखना चाहिए ना। सॉरी माँ, वो महाराज जी फोन करके उन्हें रोक लेंगे। हो जाती है गलती। अक्षरा अपनी माँ को चाय नहीं पिलाओगी? बेटा महाराज जी को याद भी दिला देना, फोन कर देंगे। भाभी, अपने आने वाले बच्चे का नाम सोचा? अभी कहाँ? अरे अभी तो बहुत समय है। और फिर हम उसे अपने घर लाएंगे खेलने के लिए, क्यों भाभी? और बताइए जमाई साहब, काम कैसा चल रहा है? सब ठीक माँ। भगवान की कृपा से सारा कारोबार अब मुन्ना ही संभाल रहा है। हाँ, मुन्ना ने बहुत अच्छी डिजाइन्स बनवाई है जेवरों की। इसके दद्दा जी तो बहुत खुश है। अक्षरा बेटा, चाय ठंडी हो जाएगी, दो नहीं नहीं। भाभी मैं आपकी मदद करती हूँ। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। अक्षरा बेटा, लगता है चाय में चीनी डालना भूल गई। हाँ, इसमें भी चीनी नहीं है। सबकी चाय में ही भूल गई बेटा। मैं अभी डाल देती हूँ। नहीं, चाय तो ठीक है। भाभी लगता है आपने सिर्फ दादा के चाय में चीनी डाली है और बाकी सब में ध्यान ही नहीं रहा। चाय में चीनी नहीं भी होगी तभी भी आपको अक्षरा के हाथों से बनी चाय मीठी ही लगेगी। लाओ चीनी मैं दे देती हूँ, तुम नाश्ते की तैयारी कर। बाके बिहारी की देखी छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। महाराज जी आप जाकर सब्जी ले आइए, मैं नाश्ता देख लेती हूँ। ठीक है बहुरानी, हम आपके माताजी की राजू किसी पूछ लेते हैं और सब्जी ले आते हैं। क्या कर रही है? अच्छा सुन, ज्यादा कुछ मत करना। हाँ बस कचौड़ियाँ तल देती तो मैं फीलिंग कर देती। अरे तू ये सब रहने दे, तू जाकर बैठ जा, थक जाएगी। इतने से काम से भी कोई थकान होती है क्या? और फिर यहाँ खड़े खड़े बातें भी हो जाएंगी। और बता तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू बता सब अच्छा चल रहा है ना? अक्षरा कचौड़ियाँ बना रही हो? अच्छा है। मैं सोच रही थी बाजार से गर्मा गर्म जलेबी भी मंगा लेते हैं, ठीक है ना मुन्ना? माँ लेकिन वो तो चले गए होंगे। अच्छा किसे भेजो? तुम्हें पता था तुम्हारी माँ आ रही है तो बता देना चाहिए था। तैयारी तो ठीक से कर लेते। नहीं नहीं आंटी जी, एक्चुअली हमने आप सबको सरप्राइज दिया है। और प्लीज जलेबियाँ मत मंगाइएगा। क्यों नहीं मंगाओ? समधन जी की सेवा का मौका रोज रोज थोड़ी ना मिलता है। अरे तो यही है। चल अच्छा है, एक काम कर दे मुन्ना, बाजार से गरम गरम जलेबियाँ ले आ और काला दूध भी। जल्दी जाना नहीं तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। जी। ये अच्छा है। नैतिक जी तो तेरे घर के काम में बहुत हेल्प करते हैं। कल अचानक से जब उनका फोन आया था ना तो मैं तो टेंशन में आ गई थी कि अचानक से फोन क्यों किया। लेकिन जब पता चला कि उन्हें तुझसे मेरी बात करवानी थी तो मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई कि तेरी खुशी का कितना ख्याल है उन्हें। अरे रक्षा देख गैस चल रही है। हाँ अब धीरे धीरे कचौड़ियाँ डालना शुरू कर। तुझे याद है वर्षा, माँ मुझे कितना डांटती थी ना कि ससुराल जाकर क्या करोगी। हाँ। और माँ हमेशा परेशान रहती थी। क्या हुआ अक्षरा? एक बात पूछूं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? StarPlus के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।